क्या आपने कभी सोचा है कि हम दोस्त क्यों बनाते हैं? क्या हमें दोस्तों की जरूरत है? क्या हम अकेले ही ठीक से नहीं रह सकते? निश्चित रूप से हम सभी कभी कभार अकेले रहना पसंद करते हैं। आसपास किसी और व्यक्ति के बिना शांति का आनंद लेना या थोड़ा आराम करना संबंध बनाने से अच्छा हो सकता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों के लिए अकेले रहना एक समय के बाद लोनली सा हो जाता है और कुछ समय बाद ही हम दूसरे लोगों के साथ के लिए तरसने लगते हैं। हम सोशल एनिमल हैं और हमें अपनी ढेर सारी खुशियां उन रिश्तों से मिलती हैं जो हमने समय के साथ बनाए हैं। रिश्तों की गहराई से अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया है कि अच्छे दोस्तों वाले लोग लंबी उम्र जीते हैं, वे अधिक स्वस्थ भी होते हैं। अच्छे रिश्ते स्ट्रेस और डिप्रेशन के चांसेस को कम करते हैं। तो आइए लाभ उठाएं और आपको कुछ नए दोस्त बनवाएं। सबसे पहले आपको सोशल होना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यदि आप पूरे दिन अपने सोफे पर लेटे रहते हैं, खुद को अलग कर लेते हैं और केवल वीडियो गेम खेलते हैं, तो आप किसी भी नए लोगों से नहीं मिलेंगे और इसलिए कोई नया दोस्त नहीं बनाएंगे। आपको बाहर निकलने और सोशल होने की जरूरत है। हो सकता है कि आपके लिए सोशल होने का मतलब पार्टियों, कॉफी शॉप या संगीत कार्यक्रमों जैसी जगहों में जाना हो, लेकिन सच तो यह है कि नए दोस्त बनाने के लिए आपको पोटेंशियल दोस्तों के आसपास रहना होगा। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ एक क्लब, ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी ज्वाइन करना है जिसे करने में आपको आनंद आता है। यदि आप बाहर जा रहे हैं और कुछ ऐसा करते हुए सोशल हो रहे हैं जो आपको पसंद है, तो सोचिए क्या आप ऐसे लोगों से मिलने जा रहे हैं जो उन चीजों का भी आनंद लेते हैं जो आपको पसंद है, और इसलिए ये समझ में आता है कि दोस्ती बनने वाली है। दिलचस्प होने के लिए दिलचस्पी रखें। लोग सोचते हैं कि दोस्त बनाने के लिए आपको बेहद दिलचस्प होना होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। किसी से बात करते समय बस उनमें सच्ची दिलचस्पी रखें। लोगों को अपने बारे में बात करना अच्छा लगता है, उन्हें लगता है कि दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए उन्हें जो कहानियां बतानी है उन्हें सुने, क्योंकि इससे दोस्ती की गहरी जड़ें बनेंगी। मैं और आप दोनों ऐसे लोगों को जानते हैं जो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के प्रयास में जीवन भर गलतियां करते रहते हैं। बेशक ये काम नहीं करता। लोगों को आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें मुझ में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। वे अपने आप में ही हमेशा रुचि रखते हैं, सुबह, दोपहर और रात के खाने के बाद भी। यदि हम केवल लोगों को प्रभावित करने और लोगों को हम में दिलचस्पी लेने की कोशिश करवाते हैं, तो हमारे पास कभी भी कई सच्चे ईमानदार दोस्त नहीं होंगे, क्योंकि वे उस तरह से नहीं बने हैं। आप दूसरे लोगों में दिलचस्पी लेकर 2 महीनों में उससे अधिक दोस्त बना सकते हैं जितना आप दूसरे लोगों में दिलचस्पी जगाकर 2 साल में नहीं बना सकते। इसलिए ऐसे प्रश्न पूछें जिनका उत्तर देने में अन्य लोगों को आनंद आएगा और उन्हें अपने बारे में और अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। हर किसी के साथ बातचीत शुरू करें। आप जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं उनसे पूछें कि वे कैसा कर रहे हैं और वास्तव में सुने। तो अगली बार जब आप जिम जाएं, तो वहां नियमित किसी अन्य व्यक्ति के साथ छोटी छोटी बातें करें। मौसम के बारे में बात करें, उस खेल आयोजन के बारे में बात करें जिसमें आप वीकेंड में गए थे, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वे प्रश्न पूछें जो आपको उनके बारे में और अधिक बताएंगे। उदाहरण के लिए यदि वे आपको बताते हैं कि वे वीकेंड में ट्रैकिंग पर जा रहे हैं, तो उनसे इसके बारे में और पूछें। वे कहाँ जा रहे हैं, वे ऐसा कब से कर रहे हैं और क्या वे अकेले जा रहे हैं या किसी और के साथ। अगली बार जब आप उनसे मिलें, तो उनसे पूछें कि ट्रैकिंग का उनका वीकेंड कैसा गुजरा। आमतौर पर जब कोई बात इंटरेस्टिंग बन जाती है तो अधिक बातचीत शुरू होने लगती है और अचानक आप उस व्यक्ति के साथ प्लान्स बना रहे होते हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से सब कुछ शुरू होता है। और मुझे पता है कि यह सुनने में डरावना लगता है, क्योंकि शायद वे इंटरेस्ट न लें, और यह एक तरीके से ठीक भी है। दोस्त बनाने की इस प्रक्रिया में भी आपको रिजेक्ट किया जाएगा, इसलिए आपको थिक स्किन डेवलप करनी होगी। हालांकि समय के साथ यह आसान हो जाता है, लेकिन आपको खुद को वहां रखना होगा। हो सकता है कि कुछ लोग आपको पसंद न करें, और इसमें कोई बुराई नहीं है। आप हर किसी से दोस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी बहुत अलग हैं। लेकिन लोगों को फिल्टर करने की प्रक्रिया में आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनसे आप सभी स्तरों पर जुड़ सकते हैं, और इसी तरह सच्ची दोस्ती बनती है। यदि आप एक बुक रीडर हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई 3 किताबें जरूर पढ़ें। और आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इसकी आवश्यकता है। और यदि आपके पास नए दोस्त बनाने की कोई अन्य तकनीक है तो हमें कमेंट्स में बताएं।